Welcome to Kitchen Minutes. Egg fried rice. How to cook egg fried rice. 2 glass चावल हमने पहले से ही सोक कर लिए थे, तकरीबन आधा घंटा पहले आप इसको सोक कर लेंगे और आधे घंटे के बाद हमने इनको बॉईल करना है। हमने पानी को बॉईल कर लिया, अब हम जो हमने चावल पहले से सोक किए हुए थे उनको इसके अंदर ऐड कर देंगे। चावलों में हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक और तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम विनेगर ऐड कर रहे हैं, व्हाइट विनेगर, ताकि इनसे जो राइस है उनका कलर जो है वो बहुत अच्छा और निखरा निखरा आपको नजर आएगा। अब एक दफा आप चावलों को हिला लें। चावल बॉयल हो चुके हैं, अब हम इनको ड्रेन कर लेंगे। एक पैन में हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये 2 eggs मैंने पहले से बीट करके रखे हुए हैं। ये जो eggs हमने बीट किए थे ये हम इसके अंदर डाल देंगे। 2-3 मिनट के बाद जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो इसको हम इस तरह से हिला लेंगे। जिस तरह स्क्रैम्बल्ड eggs होते हैं उस वाली फॉर्म में हम इसको ले आएंगे। तीन मिनट तक हम इसको इस तरह से पका लेंगे और फिर हम इसको प्लेट पे निकाल लेंगे। हमने ये एग्स तैयार कर लिए और ये हम जब हमारे राइस तकरीबन कुक हो जाएंगे तो हम उसमें ऐड कर देंगे। इसको अब एक साइड पर रख दें। 2 बड़े चम्मच हम लेंगे कुकिंग ऑयल के। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ये लहसुन अदरक है पिसा हुआ, ये मैं शामिल कर दूंगी इसमें। इसको यहाँ पे हम सौते कर लेंगे। इस दौरान हम जो फ्लेम है उसको मीडियम पे रखेंगे। 2 से 3 मिनट लहसुन अदरक को सौते करने के बाद मैंने ये बोनलेस चिकन लिया है, इसको इसमें ऐड करूंगी। चिकन को भी हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, जब तक इसका रंग न बदल जाए। चिकन ने थोड़ा सा अपना रंग चेंज कर लिया है और इसमें हम अब डालेंगे ये चिली सॉस है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ व्हाइट पेपर। ये सारे जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं इनको हम हिला लेंगे अच्छी तरह चिकन के साथ और इनको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए हम पकने देंगे। पांच मिनट के बाद चिकन हमारा डन हो चुका है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स हैं ये हम ऐड करेंगे। ये कैरेट्स हैं, मैं बिल्कुल स्मॉल पीसेस में कट कर लिए है। कैबेज है, बंद गोभी और ये शिमला की मिर्च है। शिमला की मिर्च मैंने छोटी छोटी काट ली, अब हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। इन वेजिटेबल्स को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए सौते करेंगे ताकि ये जो इंग्रेडिएंट्स पहले हमने शामिल किए थे चिकन में वो सब इनके अंदर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये हमारे जो ड्रेन में राइस हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मिक्स करने शुरू करेंगे। अब टॉस करते हुए इनको मिक्स करें जिससे आपके जो राइस हैं वो टूटेंगे भी नहीं और बहुत अच्छी उनकी लुक आएगी। अब जो बाकी रह गए वो भी हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद जो हमने एग तैयार किए थे वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। राइस, वेजिटेबल और एग को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हाफ फ्लेम पे इनको रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए हमने चावलों को दम पे रखा था, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। एग फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट।
ये एग फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कर दें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।